को घर तक रसाई देना हो सकता है खतरनाक। आपको कभी मायूब नहीं लगा कि गैर मर्द है, रिक्शा ड्राइवर है, ये क्यों हमारे घर में होता है? मेरी सालियां यही कहती थी, हमारा भाई है, हमारा भाई। आपने अपनी बीवी से कभी पूछा? क्योंकि आपकी बीवी भी वहाँ पे रहती थी कि ये यहाँ पे क्या करते? वो कहते हैं जी वो रिक्शे पे लेके जाता है, इन्हें लेकर आता है। पिक एंड ड्रॉप करने वाले रिक्शा ड्राइवर ने कैसे खवातीन को अपने जाल में फंसाया? कब से आना जाना था इसका? 6-7 साल से सर। कैसे ताल्लुक शुरू हुआ? मैं रिक्शा चलाता था, ये लड़की मुझे मिली, कह रही भाई हमने पक्का रिक्शा लगवाना है, फिर इनके घर मेरा आना जाना हो गया। 10 बहनों का भाई क्यों खवातीन सवारियों को मिलने के लिए था बेताब? तुझे बच्चे की नानी फौत होती है तो बच्चे का बाप उसको कहता है कि आज के बाद तुमने घर में नहीं आना, हमारी इनकी जवान बहन है, जवान है, तो तुमने आज के बाद इधर घर में नहीं आना। क्या घर आने से मना करने पर रिक्शा ड्राइवर ने मुंह बोली बहन का कमसिन बेटा अगवा करके किया कत्ल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, लाहौर के इलाके शालीमार में एक इंतहाई खौफनाक वाक़िया हुआ है जिसमें एक 4 साल का बल्कि 3.5 साल का मासूम बच्चा जिसे अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसके गले में फंदा दे के उसे मार के वीराने में खाली प्लॉट में उसकी लाश फेंक दी गई। ये तस्वीर देखें, मासूम हंसता मुस्कुराता नन्हा बच्चा अब्दुल रहमान, ये मासूम बच्चा घर वालों की आंख का तारा था। जरा ये तस्वीर देखें, एक खाली प्लॉट में नन्हे अब्दुल रहमान की लाश मौजूद है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कमसिन बच्चे को बेदर्दी से मार कर फेंका है। इस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह या जुर्म किया था जिसकी पादाश में इसको बेदर्दी से उतारा गया मौत के घाट? क्या मासूम बच्चे के वालदैन की थी किसी के साथ दुश्मनी? कैसे कहानी का हुआ आगाज? कैसे अनजान लोगों से दोस्ती या ताल्लुक हो सकता है इंतहाई खतरनाक? रिक्शा ड्राइवर ने कैसे पिक एंड ड्रॉप से खवातीन के घर तक हासिल की रसाई? कैसे अनजान शख्स ने घर के आंगन का फूल मसल दिया? रिक्शा ड्राइवर ने कैसे खवातीन सवारियों से बनाया ताल्लुक? क्यों रिक्शा ड्राइवर अपनी 10 बहनों के होते हुए अनजान खवातीन को मुंह बोली बहने बनाता था? रिक्शा ड्राइवर को घर आने से मना करने पर रिक्शा ड्राइवर ने चली कौन सी चाल? रिक्शा ड्राइवर क्यों मुंह बोली बहनों को मिलने के लिए था बेताब? क्या मुंह बोली बहन को देखने के लिए रिक्शा ड्राइवर ने कमसिन बच्चे को किया था अगवा के बाद कत्ल? क्या मकतूल बच्चे के बाप ने रिक्शा ड्राइवर पर लगाया था कोई इल्जाम? लाजमी देखें, अपनों को नजरअंदाज करके अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना खतरनाक है। मुजरिम कौन? नाज़रीन, इस मासूम बच्चे नन्हे फरिश्ते 3.5 साल के अब्दुल रहमान के वालिद इकरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि बच्चे को क्यों कत्ल किया गया, क्योंकि मुलजिम सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगा रहा है या ये बात कर रहा है कि चूँकि बच्चे के वालिद इकराम साहब अपनी बेगम को ये ताना देते थे, ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये आसिफ का बच्चा है, तो मैंने इस खार में, मुझे इसका बड़ा गुस्सा था क्योंकि वो मेरी बहन थी और जो बच्चा है मेरे बच्चों की तरह था, तो इस खार में मैंने ये सारा मामला किया है। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मेरे भी इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगता है, फिर मैंने बच्चे को अगवा किया और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। तो असल मामला है क्या, ये हम इकराम साहब से जानते हैं। इकराम साहब, अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, किसी बाप के लिए इससे बड़ी अज़ियत तकलीफ़ और कोई नहीं हो सकती। ये क़यामत सुग़रा है कि उसका बच्चा, औलाद जिनकी नहीं है वो समझ सकते हैं कि औलाद का होना, फिर बच्चे का, बेटे का पैदा होना हमारे माशरे में, उसका 3.5 साल तक ज़ाहिर उम्र हो जाना और बच्चे को बिना किसी वजह से कत्ल कर देना, वो बाप उसकी तकलीफ़ को कोई और नहीं समझ सकता। अल्लाह आपको सब्र दे। ये जो आसिफ नाम का मुजरम है, ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है? आपने कभी ऐसा ताना नहीं दिया अपनी बीवी को कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, ये बच्चा आसिफ का? ये कभी नहीं कहा। आपको अपनी बीवी पे कोई, उसके किरदार पे कोई शक नहीं था? नहीं, किसी किस्म का नहीं था। आसिफ वो तो अपनी वालदा की खिदमत करती थी, मैंने ये देखा हुआ है। हाँ। जिससे मुझे एहसास था। ठीक है, अगर वालदा ने कोई कपड़े खराब हो गए ना, तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा उसको कपड़े चेंज कर दे। अच्छा, मेरी वाइफ ने की है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता था और मैं कहता था ये अपनी माँ की खिदमतगार है। ठीक है, और ये इसकी 100 बुराई भी हुई है ना,
लेकिन माँ बुजुर्ग है, माँ को जरूरत है, और ये मेरी बीवी, आपको फखर था कि मेरी बीवी उनका बड़ा ख्याल रखती है और अपनी वालदा का, अपनी वालदा का बड़ा ख्याल रखती, बड़ा ख्याल रखती। आप अलग से पहली बीवी के साथ रहते थे, ये आपने दूसरी शादी की थी, ये अपने घर में अपने इसके साथ ही साथ रहे हैं। अभी मुझे चार पाँच माँ हुए थे, इन बच्चों के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था, ठीक है, लेकिन ये अपने माँ बाप के पास रहती थी। शोहर अपनी बीवी की पाक दामनी की गवाही दे रहा है, इसका मासूम बच्चा कैसे हुआ लापता, कैसे शातिर मुलजम ने डाला जाल, हर सच होगा बेनकाब। ये मामला किस तरह से पेश आता है, ये कातिल कौन है और इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है, इस मासूम बच्चे से जो तकरीबन 3.5 साल का है, इस कातिल की क्या दुश्मनी हो सकती है, ये पूछेंगे। मेरे साथ इस वक्त थाना शालीमार के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है गुलाम जबीर, वो मौजूद हैं, इन्होंने इस बच्चे की डेड बॉडी भी रिकवर की और इस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत सारे इंकशाफात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में ये गुलाम जबीर साहब करेंगे। जबीर साहब, अब्दुलरहमान नाम है इस बच्चे का, इसे कत्ल किसने किया, आपके पास इसे अगवा जब किया गया तो ये मुदई घर वाले कब आते हैं, और ये डेड बॉडी क्या उसी रात मिल जाती है जिस रात ये अगवा होता है, घर से अगवा होता है, और ये अगवा करने वाला कौन है? सबसे पहले तो 26/12/2020 की रात 9:30 बजे 15 की कॉल चलती है, ठीक है, कि एक 4 साल बच्चा अब्दुलरहमान है, शेलर चौक का रहशी है, तो वो मिल नहीं रहा, ठीक है। घर वालों ने कहा कि 2-3 घंटे हो गए हम सारा ढूंढ रहे हैं तो हमें नहीं मिला। जब 15 की कॉल चलती है तो हमारे अफसरान वहाँ पर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले भी, ऑपरेशन वाले भी मौके पर। उस रात फॉग बहुत ज़्यादा थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो मुहावरा बना हुआ है कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था, अच्छा, इस शिद्दत की, इस तरह तर्ज की धुंध थी उस रात। तो जब जाके जगह देखते हैं तो बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, तो घर वालों से पूछा ना कि अक्सर चीज़ें लेने साथ वाली दुकान पे या 1-2 गलियां छोड़कर और दुकान है वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर तब ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चा घर से चीज़ लेने गया और घर का रास्ता भूल गया। धुंध की वजह से वालदा ने बताती है कि वो शेलर चौक वहाँ से काफ़ी दूर है, 1.5-2 किलोमीटर, तो बच्चा अक्सर वहाँ तक भी चला जाता था, इतनी दूर भी। हम खैर उसको ढूंढते हैं, रात 12:30-12 बजे तक हमारी टीमें वहाँ पे मस्जिदों में लान करवाती हैं, हमारे SSP साहब की तरफ से हदायत जारी होती है कि मस्जिदों और छतों पर चढ़ के ऐलान करवाएँ, और स्पेशली उन्होंने ये कहा कि नालियाँ चेक करें, नाले चेक करें, क्योंकि डेवलपिंग सा इलाका है, गली मोहल्ले वाले, खुदा ना खासा बच्चा धुंध की वजह से नजर ना आया हो, नजर ना किसी नाली में गिर गया, और घर के सामने भी एक काफी बड़ा पौंड है, पानी का छप्पड़ है, गंद टाइप का, ठीक है। यानी सारी रात आप लोग फिर इसे, हम काफी रात लेट नाइट तक ढूंढते रहे। पुलिस नन्हे मासूम अब्दुलरहमान को ढूंढती रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कमसिन बच्चा कहां चला गया, कैसे सफाक मुलजम ने नन्हे अब्दुलरहमान को उतारा मौत के घाट। नाज़रीन, वो दरिंदा इस मासूम बच्चे का, अब्दुलरहमान का, 3.5 साल इसकी उम्र थी, उसका अगवाकार और इसका कातिल आसिफ इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, मेरे साथ मौजूद है। हम इसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को अगवा करने की और उसे फिर बेदर्दी से कत्ल करने की वजह क्या है। जो पुलिस ने हमें वजह बताई है, जो हमें वजह इधर उधर से पता चली, वो ये है कि इस बच्चे के बाप ने, अब्दुलरहमान के बाप ने, इस इंसान को मना कर दिया था कि तुम मेरी बीवी जहाँ रहती है, जहाँ सालियाँ रहती हैं, जवान लड़कियाँ हैं, उस घर में तुमने नहीं जाना, क्योंकि ये अपने घर में कम और वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता था। तो सिर्फ इस रंजिश में इसने इस बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया, और असल वजह क्या है हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ, सबसे पहले बताओ, शादीशुदा कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं मेरी। कितनी उम्र है उनकी? 3.5 साल है। 3.5 साल, अब्दुलरहमान भी 3.5 साल का, 1 महीना बड़ा था। मासूम अब्दुलरहमान कातिल की नन्ही बेटी से महज 1 माह ही बड़ा था। सफाक जल्लाद को नन्हे बच्चे पर जुल्म का पहाड़ तोड़ते जरा भी तरस न आया। आखिर कैसे जालिम जल्लाद ने घर तक रसाई हासिल की? आप जब आते जाते थे, ये मुलजिम आसिफ जो के कहता है कि जी मैं भाई बना हुआ था इन सब बहनों का, आपकी सालियों का, आपकी बीवी का, ये अक्सर वहाँ पे होता था, आपको नजर आता था? अक्सर ही जब भी गया हूँ ये वहाँ पे ही है, इसका मेरी बीवी का अगर फादर भी है तो वो वहीं पे है, सारे वहीं पे। आपको कभी मायूब नहीं लगा कि गैर मर्द है, रिक्शा ड्राइवर है, ये क्यों हमारे घर में होता है? मेरी सालियाँ यही कहती थी, हमारा भाई है, हमारा भाई है, मेरा भाई है। बात समझ में आती थी जब सालियाँ कहती थी कि मेरा भाई है? कहती थी, मेरा उससे मकसद नहीं बनता था।
सवाल औरत जाती है ना, सवाल करना आपका नहीं बनता। आपने अपनी बीवी से कभी पूछा, क्योंकि आपकी बीवी भी वहाँ पे रहती थी, कि ये यहाँ पे क्या करते? वो कहते हैं जी वो रक्षे पे लेके जाता है, इन्हें लेकर आता है। घर के अंदर क्या कर रहे हैं? क्रीम वाली फैक्ट्री पे जाते हैं, लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। नहीं, घर के अंदर क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। वो भी खत्म हो गया मामला सारा, नौकरियां भी उनकी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म, मुकाबला हुआ भाई। तो वही तो कह रहा हूँ कि जब आपने ये सवाल किया कि भाई घर के अंदर क्यों होता है, अगर रिक्शे वाला है तो घर के बाहर हो ना, घर के अंदर क्यों है, तो क्या जवाब मिलता था बीवी से? बीवी तो बेचारी खुद मुताज थी इनकी, वो बातें करते थे इन्हें। अच्छा, सालियां सालियों का कंट्रोल था अगर इसको पकड़ जाए, पड़ जाती थी बेचारी को, इसको क्या पता था, इसकी तो वालदा ने कहा हुआ था इनका ध्यान रखना है। अच्छा, समझ दे, यानी उस घर में सालियों का कंट्रोल है, सालियां मजबूत है। मासूम बच्चे के बाप के मुताबिक उसके ससुराल में सालियों का कंट्रोल था। घर में किसी मर्द का ना होना भी अकेली खवातीन के लिए मसाइल खड़े कर देता है। शायद यही वजह थी कि शातिर मुलजम अपनी चाल चलने में हुआ था कामयाब। उस रात क्या हुआ था? पुलिस कमसिन अब्दुल रहमान को ढूंढ रही थी। उस रात जब 15 पे कॉल चलती है, आप लोग मौके पे जाते हैं, तो कोई मर्द आपको वहाँ पे नजर आया कि खाली ये खवातीन ही थी बच्चे को ढूंढ रही? हमें उसका नाना मिला, नाना मिला, क्योंकि नाने ने ही 15 की कॉल चलाई। अच्छा, और नाना ही उस वक्त मदई बना, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसी ने दी। मुकदमा जमीन साहब, आप लोगों ने धुंध बहुत थी, अपनी जितनी पॉसिबल आपके एफर्ट्स थी वो आप लोगों ने की, लेकिन बच्चा नहीं मिला उस वक्त, उस रात नहीं मिला, तो FIR उसी रात दर्ज हो गई थी? FIR सुबह दर्ज हुई, सुबह दर्ज होती है। किसकी मदईयत में? बच्चे के नाने की तरफ, नाना की मदईयत में। बाप उस वक्त तक सामने नहीं आया था पुलिस के? बाप सामने आ गया था रात को, लेकिन उसने ये कहा था कि मतलब नाने ने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तब तो ये वहम गुमान में नहीं था ना कि मदई किसने बनना, तब तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बच्चा। उस रात तो किसी को पता नहीं था कि बच्चे के साथ कत्ल कर दिया। तो जाहिर है सारी रात आप लोगों ने कोशिश की, खानदान ने, मदईयों ने अपने तौर पर कोशिश की, सुबह उठ के आपने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया होगा, तो कितने बजे सुबह कॉल चलती है, कैसे पता चलता है? सुबह जब FIR होती है, हम 9 बजे हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम है, ASI हमारे वहाँ पे जाते हैं, घर वालों को जाके पूछते हैं कि बच्चा मिला है नहीं मिला, और किसी पे कुछ शक है या बच्चा किसी रिश्तेदार की तरफ गया है नहीं गया, तो वो उनसे अभी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, नक्शा बना रहे होते हैं FIR के अंदर, वहाँ पर नक्शा हमारा नक्शा बिलास्किल और बास्किल बनते हैं, तो वो नक्शा भी बना रहा था, तो 15 कंट्रोल पे दोबारा कॉल चलती है, एक बंदा कॉल चलाता है कि एक बुद्ध बाज़ार लगता है गुलबहार कॉलोनी के पास, बुद्ध बाज़ार के एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे बच्चे की एक डेड बॉडी पड़ी है, तो हमारा वही तफ्तीशी वहाँ मौके पे जाता है, फिर हम भी यहाँ से थाने से मूव करते, मैं थाने मौजूद था 11:30 बजे, SHO साहब भी थाने, हम मौके पे जाते हैं, फिर हीनियस कॉल थी, एक DSP SP साहिबान भी हमारे मौके पे पहुँचते हैं, तो बच्चा जब घर वालों को बुला के चेक करवाते तो बच्चा वही था, अब्दुल रहमान की लाश थी। पुलिस को नन्हे अब्दुल रहमान की लाश मिल चुकी थी। जालिम मुलजम ने इंतहाई बेदर्दी से कमसिन बच्चे को उतारा मौत के घाट। क्या हथकड़ियों में जकड़ा ये नौजवान ही था कातिल? इस रक्षा ड्राइवर ने कैसे खवातीन को अपने जाल में फंसाया? कब से आना जाना था इस घर में और कैसे शुरू हुआ? 6-7 साल से सर। कैसे ताल्लुक शुरू हुआ? मैं रश्का चलाता था, ये लड़की मुझे मिली, कह रही भाई हमने पक्का रश्का लगवाना है, फिर इनके घर मेरा आना जाना हो गया। किस कौन लड़कियाँ, क्या नाम है उनके? एक का नाम सम्मन था, एक का नाम जन्नत था, एक का नाम जरी था। अच्छा, ठीक है, पक्का रक्षा लगवा लिया? पक्का रक्षा इन्होंने लगवा लिया। रोज तुम इन्हें घर से लेते थे, फिर वापस छोड़ते भी थे? वापस शाम को घर छोड़ता था। अच्छा, उसके अलावा घर में आना जाना भी शुरू हो गया? उसके बाद घर में आना जाना शुरू हो गया। नहीं, ये तो काम के सिलसिले में हो गया ना, पिक किया, ड्रॉप किया, उसके अलावा भी घर में आना जाना शुरू हो गया? उसके अलावा भी घर में। उसके अलावा घर में क्या करते थे? खुशी कमी पे आ गया, या वैसे जब उन्होंने फोन किया कि मेरी वालदा की तबीयत खराब है। अच्छा, जब चला गया काम से हटके, मैं पूछ रहा हूँ घर में आना जाना था? था। क्यों? बस वैसे क्या बहन भाई ताल्लुक, कोई बहन भाइयों वाला ताल्लुक था? बहन भाइयों वाला को समझ लगती है आज के दौर में ये बहन भाइयों वाला ताल्लुक? बहन भाइयों वाला ताल्लुक था। मुलजम के मुताबिक वो मासूम बच्चे की वालिदा और खालाओं को अपनी बहनें मानता था। क्या ये सच है कि पिक एंड ड्रॉप करने वाले रिक्शा ड्राइवर का खवातीन के साथ इस कदर ताल्लुक मजबूत हो गया था कि उसने उन्हें मुंह बोली बहनें मान लिया था? अब्दुल रहमान के बाप ने इस जिम्न में क्या कहा? बात समझ लगती है कि जिस घर में 4-5 जवान लड़कियां हों, ये गैर मर्द का उस घर में आना, मैं कहता हूं बाहर बैठना नहीं चाहिए, नहीं जायज ना, तो उस गैर मर्द का ये कहना कि मेरी बहनें हैं, ये बात समझ लगती है? या इसका किसी साली के साथ, आपके के साथ कोई ताल्लुक था? वो कहते हैं इसे पसंद करता था, जन्नत को पसंद करता था। ये भी कहता है कि मैं जन्नत को
पसंद करता था, पसंद करता था। जन्नत आपकी साली है। हाँ। तो आपने कोशिश नहीं की कि मैं इस घर से अपने बच्चों को अपनी बीवी को ले जाऊं? मैं ले गया हूं। ले गए थे? हाँ ले गया हूं। मैं आ जाता हूं क्योंकि 10 मिनट के लिए मेरे घर आ गई है ना, तो पीछे ये सारी फैमिली आ गई है। वो बच्चा रो रहा है। माँ को संभालती नहीं थी वो, सारी जिम्मेदारी आपकी बीवी की थी, वो संभालती थी, सालियाँ नहीं संभालती थी। नहीं, इसीलिए बड़ी बहन को घर में रखा हुआ था कि माँ की खिदमत की अकेली करे, ये अकेली संभाले, ये वजह क्योंकि वो खिदमतगार थी, उसके साथ ज्यादती हुई है। मेरा बाजू गया, किसी का कुछ भी नहीं गया। बाप के दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, उसका मासूम बेटा कत्ल हुआ है। वालदैन किस अजियत से गुजर रहे हैं वही जानते हैं। शातिर मुलजम की नीयत क्या थी, वो घर में किस नीयत से आता था कोई नहीं जानता था। बच्चा गया कहाँ उसका नहीं पता चल सका। उस मासूम बच्चे को 3.5 साल उसकी उम्र है, उसे कत्ल कर दिया। जाहिर है वो एक नया सवाल था कि बच्चे को कत्ल किसने कर दिया। तो आपके लिए चूंकि एक ब्लाइंड मर्डर था और वो भी एक बच्चे का था, बिल्कुल कोई तनाजा नहीं हो सकता, कोई दुश्मनी लेन देन कोई मामला ऐसा नहीं है, तो किन बुनियादों पे आपने अपनी तफ्तीश शुरू की? जैसे हमें पता चला कि ब्लाइंड मर्डर है, हमने सबसे पहले घर वालों को शाम में तफ्तीश किया, पोस्टमार्टम हुआ, डेड बॉडी दफनाएगी बच्चे की, अगले दिन कुल थे उससे फ्री हुए तो बच्चे के वालिद को बुलाया, CIE की टीमें भी हमारी मौके पर मौजूद थी। हमें पहले तो शबा था कि बदफेली ना हुई हो बच्चे के साथ, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रात 7 बजे हुआ तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि बदफेली नहीं है। वहाँ से फिर हमारा थोड़ा सा जहन बना कि अगर बदफेली नहीं है तो फिर कोई इंतकामी कार्रवाई है, किसी ने कोई रंजिश निकाले। तो हमने जब बच्चे की वालदा को, उनके अजीज़ों को, बच्चे के वालद को, नाना को, सबको शामिल तफ्तीश किया तो उन्होंने बताया कि हमारी बाजार तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई रंज नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमने छोटे से छोटा झगड़ा भी पूछा कि आपका लास्ट टाइम किसी से छोटा झगड़ा भी किसी से हुआ हो। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में हमारे घर के सामने एक औरत है, उससे हमारा लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन इस तर्ज का नहीं है कि वो इस हद तक कोई जाएंगे बच्चे को कत्ल कर दे। घर में उनका आना जाना भी था, उस औरत का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो उन्होंने हमें कुछ मशकूक बंदे बताए कि इस तरह 8 से 10 बंदे, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। बच्चे का जो वालद है उसकी एक दोस्त था उनका, हाफिज़ मुर्तजा नामी आदमी, उससे भी कोई सांप का रंजिश थी, लड़ाई थी, तो उसको भी इंटेरोगेट किया गया, थाने लाए गए, CIE ने उसको काउंटर इन्वेस्टिगेट किया, हमने किया, लेकिन उसमें भी ऐसी कोई बात नज़र ना आई। एक आसफ जो इन औरतों का, बच्चे की वालदा का और उसकी खालों का और इनके घर आना जाना था, इनका भाई बना हुआ था, मुंह बोला भाई बना हुआ था। आसिफ क्या काम करता है? आसिफ रिक्शा ड्राइवर है। इनकी यहाँ से जान पहचान हुई कि ये जो बच्चे की वालदा और इसकी मासियाँ खाला जो हैं वो किसी क्रीम वाली फैक्ट्री में काम करने जाती थी। तो अरसा 5-6 साल पहले इनको एक बस स्टैंड, वहाँ पर रिक्शा स्टैंड था, वहाँ से ये रिक्शे वाला मिला, तो रोज़ फिर वहाँ पे जाना इन्होंने स्टॉप पर, तो वहाँ से रिक्शे में बैठ के जाना। तो फिर इनसे कहा कि आप हमें घर से पिक कर लिया करें, हम औरतें होती हैं, 3-4 बहनें, तो आप हमें घर से पिक करके हमें ड्रॉप कर दिया करें और वहाँ से वापसी पे पिक करके घर ड्रॉप कर दिया करें। ताल्लुक आसिफ का इस घर से सिर्फ इतना था कि वहाँ घर से पिक करना इन सवारियों को और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाना और उसके बाद दोबारा वहाँ ड्रॉप कर देना, या इससे ज़्यादा था? इससे ज़्यादा घर में आना जाना? बात यहीं से हुई, बात तो यहाँ से शुरू हो, बात यहीं से शुरू हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसिफ का घर आना शुरू हो गया, भाई बन गया। पुलिस भी तस्दीक कर रही है कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देने वाला रिक्शा ड्राइवर अनजान खवातीन का भाई बन गया। आखिर क्या था माजरा, मुलजम क्या कहता है? बीवी क्यों मना करती थी, तुमसे लड़ती क्यों थी अगर ये बहन भाइयों वाला ताल्लुक था? वो यही कहते थे कि तुम घर पैसे नहीं देते। हाँ, तो क्यों नहीं घर में पैसे देते थे? वो तो बेचारी अपने काम पे चली जाती थी, फिर मैं अपने यार दोस्तों में बैठा रहता था। क्यों? बिलियर्ड खेलता था। उनसे पैसे नहीं लेते थे? उनसे पैसे लेता था, हफ्ते बाद मिलते थे पैसे। अच्छा, पैसे मिल जाते थे? मिल जाते थे। ठीक है, तो पहले बीवी को ये मसला नहीं था कि तुम पैसे नहीं देते, अब अचानक से क्यों घर में पैसे देने बंद कर दिए? जब से मेरे वाले साहब फौत हुए हैं, जब से मैंने काम करना ही छोड़ दिया, बस एक दो फेरा लगाना, अपने घर चले जाना। बहन वाला, बहनों वाला ताल्लुक था या आपको मामला और था? नहीं, बहनों वाला ताल्लुक था, बहनें थी मेरी। बहनें बनाई हुई थी? बहनें। तुमने अपनी बहन कोई नहीं है? हैं, मेरी बहनें, मेरी अपनी 10 बहनें। 10 बहनें हैं तुम्हारी अपनी? माशाल्लाह 10 बहनें। 10 बहनें। और तुम कह रहे हो कि मैंने ये 4-5-6 और बहनें बना ली थी? ये भी मेरी बहनें बनाने का शौक था मेरी। खुद को बेवकूफ समझ रहे हो या बाकियों को पागल बना रहे हो? नहीं, मेरी बहनें थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहनें थी? बहनें थी।
हैरत है, 10 बहनों का भाई अनजान खवातीन को मुंह बोली बहने बना रहा था। अपने घर वालों को नजरअंदाज करके मुंह बोली बहनों के घर के चक्कर काट रहा था। मामला मशकूक था। मासूम बच्चा लापता हुआ तो बाप पर क्या बीती थी वही जानता था। इकराम साहब कब पता चलता है क्योंकि आप इस घर में नहीं थे कि बच्चा अगवा हो गया, कौन बताता है आपको? मुझे जरी फोन करके बताती है कि छोटी बहन है सबसे कि इकराम भाई बच्चा नहीं लभ रहा, बच्चा गुमया है। मैं कहा कदों का गुमया? कहंदे 8:30 9 होए दा। मैं कहा मैनू हुण दस रही है किन्नी ठंड है, मैनू हुण दस रही है। मैं कहा मैं अपनी बेगम का नाम लिता, मैं कहा वह कित्थे वे, उहदे नाल मेरी गल करा। वो बाहर गई। मैं कहा मेरी गल उहदे नाल करा ना। मैं कहा झूठ बोल दे मैं समझ नहीं, मुझे वैसे बहाने से बुला रहे हैं, कोई ऐसा मकसद होगा। बाद में फिर मुझे फ़ोन आता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, मेरे सोहरे ने मुझे बात की, हेलो मैं बात कर रहा हूँ, तेरा बेटा नहीं मिल रहा। उस वक्त आपको परेशानी हुई कि बिल्कुल परेशानी? आप फिर वहाँ से भागे होंगे, इधर आए होंगे? मैं अपनी वाइफ को साथ लेके गया, ढूंढते रहे आप ही साथ? ये मुल्ज़िम आसिफ ये भी इधर ही था? मैं जब आया हूँ ना तकरीबन 10:45 बजे का टाइम होगा। आप 11 बजे तकरीबन पहुंच जाते हैं? आप 10:30 11 पहुंच थे, यही टाइम होगा। ठीक है, उस वक्त सारी ये ढूंढ रहे थे? ये कहते हैं हम ढूंढ के थक गए हैं। ढूंढ के थक गए हैं। मुल्ज़िम आसिफ भी इधर ही था? मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि वो भी साथ ढूंढ रहे? ये कह रहे हैं, मैं कहा मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा। उस रात फिर आपने भी कोशिश की, 2:30 बजे तक आपने भी ढूंढा? फिर नहीं, मैं एक घर गया हूँ वो अगली गली में, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, मैंने उसे फोन किया, उसने मस्जिद बनाई है उधर, मेरा क्लास फेलो था, उसने मुझे एक और बंदे का नंबर दिया है, इनका ही रिश्तेदार है, मैं सीधा उनके घर गया हूँ। मैंने कहा ऐसे रहमान नहीं मिल रहा, वो मुझे एकदम हैरत से कह रहे हैं कि अभी तक नहीं मिला, वो मुझे कह रहे हैं अभी तक नहीं मिला। वहीं पे बैठा हूँ, वो वहाँ के कहते हैं कि बुजुर्ग शुजुर्ग भी है। मैंने कहा देखे बापी कहीं शादी वाले घर के साथ तो नहीं चले गया बच्चा, कोई इस तरह का मैटर हो, सर्दी बड़ी है, इधर बैठा नहीं जा रहा। उस रात बहुत ठंड थी, बड़ी सर्दी थी। मैं कहा इधर बैठा नहीं जा रहा, कोई तो देखे ना, कोई नज़र दिलाएं। उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं पता लगता। मैं फिर भी कोशिश करें, इनका ही रिश्तेदार है, उधर ही बैठा हुआ था। उधर से घर मैं आया हूँ, उसने मुझे तसल्ली दी, उन्होंने कहा घबरा ना, सुबह तुझे मिल जाएगा। मैंने भी इन्हें आकर तसल्ली दी है। फिर मैं 3:30 बजे घर गया हूँ वापस। बाप को किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। क्या रिक्शा ड्राइवर ने रचाई थी कोई साजिश? ऐसी कौन सी वजह थी कि मुंह बोले भाई को घर आने से मना किया गया था? क्या मुंह बोले भाई के इरादे थे खतरनाक? गैर मद का अकेली खवातीन के घर आना सबको मायूब और अजीब लगता था। कैसे पुलिस के सामने खुला राज? कैसे हकायक हुए बेनकाब? उस रात मुल्ज़िम ने आसिफ ने क्यों इसे घर से अगवा किया, उसकी वजह क्या थी? जब बच्चे की नानी फौत होती है ना, तो उससे पहले तक तो आसफ़ को घर का फैमिली का मेंबर समझा जाता था। आसफ़ की जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने हमें ये बताया कि उसके मारने की वजह ये थी, बड़ी मामूली सी है, ट्रिवियल सी रीज़न है मारने की, हमें भी मतलब समझ में नहीं इतना आता। लेकिन उसने बताया जब उसको साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक घर में आना जाना था उसका, काफ़ी पोजेशन थी उसकी, उसके साथ काफ़ी पोजेसिव था, एक रिलेशन था क्रिएट हुआ उन फैमिली के साथ। तो जब बच्चे की नानी फौत होती है तो बच्चे का बाप उसको कहता है कि आज के बाद तुमने घर में नहीं आना, हमारी इनकी जवान बहनें हैं, सारियाँ जवान हैं, तो तुमने आज के बाद इधर घर में नहीं आना। तो इसको इस बात का रंज था कि मैंने इतनी सर्विसेज डिलीवर की इनके साथ, मेरा इतना फैमिली टर्म्स था, मैं इनके साथ आता था और मुझे इन्होंने बंद कर दिया है। फिर उसके अलावा वो ये बताता है कि अक्सर ये कहा जाता था बाप की तरफ से कि ये बच्चा जो है वो मेरा नहीं है, ये आसफ़ का बच्चा। उसकी वजह ये थी कि बच्चा जब घर में आसफ़ होता था और बाप जब बाहर से आता था कहीं से, तो बच्चा आसिफ के पास ज़्यादा रहता था, उसके साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच था बच्चा। तो बाप ने जब उसको बुलाना तो उसने उस तरह नहीं आना वालेहाना अंदाज से जिस तरह वो आसफ़ के पास खेलता था रहता था। तो वो उसको तंज के तौर पर या गुस्से में या वैसे ही छेड़ने के अंदाज में तो कहता था कि ये बच्चा तुम्हारा है। ये जो हमारे सुनने में घर से भी हमें मालूम हुआ है कि घर में भी ये कहा जाता था कि ये आसिफ का बच्चा, तो इस बात का भी उसके दिल में रंज था कि ये मुझे कहा जाता है ये बच्चा मेरा है। तो इस रंजिश में, इस गम में, इस दुख में लगा ले
इस कर्ब में लगा लें कि एक इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसने इस वजह से बच्चे को मारा। मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्या मुलजम ने इल्ज़ाम लगने की वजह से मासूम बच्चे को किया कत्ल या फिर असल माजरा कुछ और था? तुम्हें बड़ा प्यारा था वो, तुम अपने बच्चों की तरह उसे प्यार करता था। हाँ, तो फिर उस बच्चे को अगवा क्यों किया और जाके मारा क्यों? तुम्हारे जहन में उस वक्त क्या चल रहा था? जिस रात बड़ी धुंध थी, तुम बच्चे को बड़े तरीके से, तीन गलियाँ जाती हैं, एक गली में, दो गलियों में कैमरा लगा हुआ था और एक गली में कैमरा नहीं था, तुम उस गली से गुजर के गयो जहाँ पे कैमरा नहीं था। तुमने पूरी रैकी की हुई थी, पूरा मनसूबा बनाया हुआ था। उस बच्चे को तुम उस गली में से लेके गए और कहाँ पे लेके गए? बुद्ध बाजार लेकर गया। बुद्ध बाजार क्या करने? बस उसको मारने गया सर। मारने, यानी ये तुम जब बच्चे को अगवा किया तुमने सोच लिया था बच्चे को आज मैंने मार देना, ये सोच के आए? सोच के को वजह होगी ना, क्या सोच के आए? वजह क्यों मारना? वजह कुछ भी नहीं थी, वजह यही थी कि यही कहता था बेटा इसका है। और तो उस बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का कोई कसूर? उस बाप का कसूर था ना, अगर वो इल्जाम लगाता था उसके बाप का, तुमसे को मसला था तो बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे को क्यों मारा? बच्चे का कोई कसूर? तो मारा क्यों है उसे? बस दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। क्या दिमाग को हो गया था? पता नहीं कुछ क्या हो गया था। ये ड्रामे नहीं करो, वजह बताओ कि बच्चे को मारा क्यों है। वजह कुछ भी नहीं है बच्चे, हमारे लिए इतनी मामूली बात है। मेरे दिमाग को कुछ हो गया था जी, मैंने मार दिया। बस वजह तो कुछ भी नहीं थी मेरे दिमाग को, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, बच्चे को मैंने मार दिया। पछतावा मुझे अब भी हो रहा है। दिमाग को कुछ हुआ था ना, अभी तो दिमाग ठीक है। दिमाग अब बताओ मुझे क्यों मारा था। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरे जहन में ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। वजह ये थी कि उस घर में तुम्हारा दाखिला बंद हो गया था। हाँ, तुमने उस घर में किसी सूरत दोबारा जाना था, तो ये वजह थी तुमने उस बच्चे को कत्ल करके मार दिया। यही वजह। ओ खुदाया, मुंह बोली बहन को देखने और घर में जाने के लिए मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। सफाक जल्लाद ने जो क्यामत ढाई वो तड़पा देने वाली है। पुलिस के तफ्तीश में क्या सच सामने आया? वो चाहता था कि कुम्हाना मिल जाए, मैं दोबारा घर में आऊं और मैं उनकी जरूरत बन जाऊं। उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि वो बच्चे को अगवा करके ले जाए, तो उसने जरूरत कैसे बन जाना था इनकी दोबारा अगवा करने के बाद? देखिए, बच्चा गायब हो जाता या बच्चा मर जाता तो एक कमी महसूस होती है, फिर इन्होंने कहीं आना जाना था, अगर बच्चा गवाह होता ढूंढने जाना, जैसे इस उस रात में यही हुआ कि जब बच्चा, घर वालों को पता चला कि बच्चा गायब है, बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे की मासियाँ भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, आंटियाँ आई हुई थी, तो बच्चे सबके खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अब्दुलरहमान बीच में नहीं है, तो जब वो सबसे पहले बाहर निकले तो ये सामने चौक में खड़ा था, आसिफ चौक में खड़ा था, वहाँ पे बडामों वाली गेम है वो खेल रहा था। तो वालदा ने जाके सबसे पहले आसिफ से कहा, आसिफ अब्दुलरहमान नहीं मिल रहा, उसे ढूंढो, देख के। उस वक्त बच्चे को कत्ल करके वापस आ चुका, ये तब तक बच्चे को कत्ल करके वापस आ गया हुआ था। प्लानिंग वो जो समझ आ रहा है, उसका जो बयान है, जो इंकशाफ है, वो समझ आ रहा है कि मारने के बाद वो भागा नहीं है, वो सबसे पहले चौक में गया कि अच्छा अब ये बच्चा इनका चला गया, अब ये मुझे कहेंगे। तो सबसे पहले वालदा ने बाहर निकलकर अब आसिफ को देखा, आसिफ बच्चा नहीं मिल रहा, तो आसिफ उस शैलर चौक में ढूंढने जा रहा है, इस गलियों में भी जा रहा है, उस गलियों में भी जा रहा है। शातिर मुलजम ने खवातीन पर एतबार की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। वो मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद हमदर्दी के बहाने मुंह बोली बहनों से करना चाहता था मुलाकात। उस घर में क्यों जाना था? तुम कह रहे हो कि तुम्हारा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक बात समझ लगती है? ये सारा शहर सुन रहा है, लाहौर सुन रहा है, मुझे बताओ को बात समझ लगती है कि किसी से तुम्हारा ताल्लुक नहीं था और तुम वहाँ पे उस घर में दोबारा जाने के लिए पर तोल रहे थे, इस वजह से तुमने बच्चा भी कत्ल कर दिया, और तुम कह रहे हो कि मेरा उनमें से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था उन बहनों के साथ, वो मेरी बहनें थी, उनके साथ कोई, तो ऐसा क्या था कि तुमने उस घर में दोबारा जाना था? बहनें थी बेशक, तुमने बनाई हुई थी, बहनें ही थी मेरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये मुझसे गलती हुई है, मैंने मासूम बच्चे की जान ले ली। उस घर में दोबारा जब उसके बाप ने, उस घर के सरबराह ने मना कर दिया कि हमारे घर में तुमने नहीं आना, तुम एक गैर आदमी हो, तुम उस घर में दोबारा वापस क्यों जाना चाहते थे और इसी वजह से तुमने कत्ल किया, ऐसी क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो मुझे उधर जाना नहीं देते थे। तो क्यों जाना था उस घर में, ऐसा क्या था तुम्हारा? कुछ भी नहीं था ऐसा मेरा, उस घर में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था और तुम जाना भी चाहते थे और इसी वजह से तुमने बच्चा भी कत्ल किया। बहन भाई वाला ही ताल्लुक था, और बहन भाइयों वाला ताल्लुक था ना, तो ऐसा ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाई मेरे कि तुमने उस बच्चे को कत्ल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि मैं उस घर में दोबारा चला जाऊं? और तुम्हारी मुंह बोली बहने बकौल तुम्हारे, तफ्तीश कुछ और बता रही है। हाँ, को समझ लगती है बात, ये किसी के दिमाग में ये बात बैठती कि तुम्हारा बहनों वाला ताल्लुक था, घर में से मर्द ने मना कर दिया, तुमने कहा मैं बच्चा कत्ल कर दूँ, लेकिन मैंने अपनी बहनों को मिलना जाके, वो बच्चा जब उसका बाप कहता होता था कि बच्चा इसका नहीं, बच्चा मुझे बहुत बुरा लगा। अभी तुम कह रहे हो कि मैंने उस घर में वापस जाना था,
इस वजह से मैंने ये कत्ल किया। कत्ल तो मैंने ये इस वजह से ही किया था, लेकिन क्या बहनों से बड़ा प्यार प्यार था। देखे बगैर क्या कोई खाना हजम नहीं होता था? खाना मैं उनके साथ ही खाता था, उनके साथ ही खाते थे। सवारियाँ तुम्हें मिली, उनके घर आना जाना शुरू हो गया, और तुम कह रहे हो कि मैं मेरी वो बहनें इतनी बन गई कि मैं अपनी ज़ात मैंने पीछे कर दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को पीछे कर दिया, मैंने उन्हीं की बहन का यानी उस बहन का तुमने बेटा मार दिया, और उसी बहन को बाद में जाके मिलना था, उसी से मिलने के लिए? नहीं, उसी से नहीं मिलना, सारी बहनों से। साथ ढूंढते भी रहे हो? ढूंढता भी रहा हूं। सब कुछ करते रहे हो? ढूंढता रहा हूं। ताकि दोबारा उनसे मुलाकात हो जाए? बहनों से? हाँ जी, बहनों से मुलाकात हो जाए। मुलाकात हो जाए, बहनों को ये ना पता चले कि हमारे भाई नहीं मारा, हमारे भाई नहीं मारा। और बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया कि बच्चा कत्ल होगा या बच्चा अगवा होगा, तो वो मुझे दोबारा बुलाएंगे ढूंढने के लिए, ताकि मुझे मेरी बहन नजर आ जाए किसी तरह, ऐसे ही है? हाँ जी। मुलजम अपना जुर्म कबूल कर चुका है, मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद सजा के लिए भी तैयार है। ऐसे जल्लाद को सख्त सजा मिलेगी तो ही मासूम बच्चे के वालदैन को आएगा करार। खुदारा किसी भी अनजान शख्स से इस कदर ताल्लुक ना बनाएं कि बाद में पछताना पड़े। इसी के साथ आमे डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगेबान।